घंटों में कोरोना के 82 नए केस। दरभंगा जिला में विगत 24 घंटों में 82 नए केस मिले हैं। डीएमसीएच में आरटीपीसीआर जांच में केवल 7 मरीज संक्रमित निकले, इसमें से एक चिकित्सक की पत्नी है। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने परेशानी का सबब बन गया है। शुक्रवार को फिर से 6 फ्लाइट रद्द रही। डीएमसीएच परिसर में प्रस्तावित एम्स स्थल पर शुरू हुआ मिट्टीकरण का काम। 75 एकड़ भूखंड पर 3 माह में काम पूरा करने का निर्देश। जमुई में 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नक्सली, ऑपरेशन टीम को देखते ही भागने लगे थे। पटना में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत। डॉक्टरों ने कहा बीमारी पर भारी पड़ रहा कोरोना। बिना वैक्सीन नहीं दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम। 14 से 15 साल वालों के लिए गाइडलाइन नहीं। एडमिट कार्ड के लिए स्कूल मांग रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। नालंदा में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर 3 लाख की चोरी। घर में सोए रह गए सदस्य। चोरों ने बेहोशी वाला स्प्रे छिड़क कर किया हाथ साफ। 23 जनवरी तक गरज के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट। कोल्ड डे के साथ हल्की बारिश से बिगड़ा मौसम। गया का पारा 4.6 डिग्री तक गिरा। आरजेडी का दावा, तेजस्वी 2022 में बनेंगे सीएम। बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी को कहा कंफ्यूज। मुकेश सैनी को दी नसीहत, जहां जाना हो जाए। राजीव नगर ज्वेलरी शॉप गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अपराधी पंकज शर्मा समेत 2 से पूछताछ कर रही पुलिस। हॉस्पिटल डायरेक्टर भी संदिग्ध। सचिन के सबसे बड़े फैन को पुलिस ने पीटा। मुजफ्फरपुर में सेलिब्रिटी बनकर जिस थाने का उद्घाटन किया था, उसमें ही मुंशी ने गाली दी, लात मारी। मुजफ्फरपुर के 10 स्कूल के हेडमास्टर और कलर का वेतन रोका। रजिस्टर्ड छात्रों के अनुपात में कम परीक्षा फॉर्म भरे जाने को लेकर हुई कार्रवाई। रेलवे में पार्सल ट्रैफिक पर लगी रोक। मुजफ्फरपुर में 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली समेत आसपास के स्टेशनों पर नहीं जाएंगे पार्सल। नए मेहमान की खातिरदारी में जुटा वीटीआर। बघा के रिहायशी इलाके में दिखा गेंडा, अब तक एक को कर चुका घायल। खगड़िया में आर्थिक परेशानी से तंग आकर व्यक्ति ने लगाई फांसी। बेटी की शादी को लेकर था परेशान। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए कर दिया दाह संस्कार।